अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आईटी एक्सपर्ट्स की जानिब से मैं हूं मोहम्मद नुमान। और आज हमारा पीएचपी का सेकंड लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पीएचपी के हम पीएचपी को एचटीएमएल फॉर्म्स के साथ कैसे डील किया जाता है, और पीएचपी के जो कुछ ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनकी वर्किंग के बारे में। और एक हम न्यू चीज़ पढ़ेंगे, वो है पीएचपी के डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट मेथड। ये वर्क करता है एचटीएमएल फॉर्म्स के थ्रू। तो आज आपको मैं इंशाल्लाह एचटीएमएल के फॉर्म्स के थ्रू वर्किंग पीएचपी की सिखाऊंगा, जिसके थ्रू हम करेंगे यूज़र से इनपुट लेके अपनी वर्किंग करेंगे। जैसा कि व्यूअर्स हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने एक इंडेक्स फाइल बनाई थी, और उस इंडेक्स फाइल में हमने दो वेरिएबल्स, तीन वेरिएबल्स इनिशलाइज किए थे, जिनमें से दो वेरिएबल्स में हमने अपनी वैल्यूज़ रखी थी और उनको जस्ट प्लस करवाया था, और प्लस ऑपरेटर के थ्रू उनको प्लस करवा के उनको एको करवा दिया था। तो ये तो व्यूअर्स हमने किया था कोडिंग की मदद से। तो इसमें तो हमने जस्ट जो वेरिएबल्स हैं वो हमने खुद असाइन किए हैं, खुद इनिशलाइज किए हैं इनको। तो ये हमने यूज़र से इनपुट मिली। तो आज हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, और इसमें हम आज इंशाल्लाह इसको एचटीएमएल फॉर्म के थ्रू बनाएंगे और यूज़र से इनपुट लेके उसको इको करवाएंगे। इस तरह आपको पीएचपी के एचटीएमएल फॉर्म की डीलिंग की समझ आ जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह कुछ ऑपरेटर्स पे बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसी को आगे थोड़ा सा करता हूँ और इनकी इनिशियलाइजेशन ख़त्म करके इनको जस्ट वेरिएबल कर देता हूँ। जस्ट वेरिएबल जो है ना इनको बना देता हूँ, क्योंकि अब हमने इनिशियलाइजेशन जो करनी है वो हमने यूज़र से लेनी है। ओके, मीन्स के यूज़र हमें नंबर देगा, हम उन्हीं नंबर्स का रिजल्ट लेंगे और उसको इको करवाएंगे, और कुछ थोड़ी सी इसमें हम डिज़ाइनिंग टाइप भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एचटीएमएल फॉर्म बनाते हैं अपना। तो एचटीएमएल फॉर्म के लिए आपको पता है कि एचटीएमएल और हेड और टाइटल, ये सब कुछ ही तो एचटीएमएल के एलिमेंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्योंकि हम सम का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो लेट्स से कि इसमें सम प्रोग्राम लिखता हूँ। और इसके बाद मैं अपना यहाँ हेड क्लोज किया और मेरी बॉडी स्टार्ट हुई। अब बॉडी में क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, तो इनपुट लेने के लिए हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है हम जो HTML का टैग फॉर्म है उसको यूज़ करेंगे, और इसका मेथड जो है हम पोस्ट रखेंगे, क्योंकि इस वक्त हम पोस्ट मेथड पे काम कर रहे हैं। पोस्ट मेथड, इसका मेथड जो है वो हम पोस्ट रखेंगे। इसके अलावा ये आपने इसके एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स बाकी इसके आपने पढ़े होंगे, और ये हमारा मेथड पोस्ट आ गया। इसके बीच में अब हमने एक जस्ट एक फॉर्म डिज़ाइन करना है, जिसमें हमारी दो टेक्स्ट फील्ड्स होंगी और एक बटन होगा। उन टेक्स्ट फील्ड्स में यूज़र अपनी इनपुट देगा, और मीन्स के दो नंबर्स देगा, और वो नंबर्स हम उस यूज़र से लेकर उन्हीं वेरिएबल्स में डालेंगे जो कि पिछली लेक्चर में हमने जस्ट खुद इनिशलाइज कराए थे। आज उनको हम यूज़र से लेंगे और उसको हम सम करवाएंगे, और इसी तरह सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों ऑपरेटर्स भी इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे। तो एच टी एम एल फॉर्म के लिए मैं अपना एक टेबल बनाता हूँ, और टेबल को मैं अलाइन कर देता हूँ सेंटर में। टेबल अलाइन हो गया मेरा सेंटर में, और इसके बाद हम अपना टेबल रो बनाते हैं और उसमें एक लेबल बनाते हैं। मैं लेबल देता हूँ फर्स्ट नंबर, क्योंकि हम यूज़र से फर्स्ट नंबर लेना चाहते हैं, तो मैं अपना लेबल फर्स्ट नंबर देता हूँ। इसके बाद मेरी यहाँ, सॉरी, ये टेबल डाटा के बीच में आएगा, तो यहाँ मेरा टेबल डाटा क्लोज़ हो गया, और अब मेरा सेकंड टेबल डाटा ओपन होता है। और इसमें मैंने, क्योंकि अब हमने इनपुट टाइप हमने इसकी टेक्स्ट रखनी है, उस टेक्स्ट की रीज़न ये है क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है टेक्स्ट की फॉर्म में, मीन्स के नंबर या जो भी है वो टेक्स्ट होगा। तो एक इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हमें इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट रखनी है। व्यूअर्स, इसमें पीएचपी में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि एचटीएमएल में तो जस्ट आप सिर्फ इनपुट टेक्स्ट कर दें तो टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो जाती है, लेकिन इधर यहाँ हम इसको नेम भी रखते हैं, इसका नेम रखते हैं, और नेम का मकसद भी इंशाल्लाह आपको भी आगे पता चलेगा कि नेम का क्या मकसद होता है। तो हम इसकी जो नेम है वो हम रख लेते हैं फर्स्ट नंबर, फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर में इसका जो है नेम रख लेता हूँ। और इसके बाद बस इसके अगर हम प्लेस होल्डर भी दे देते हैं, प्लेस होल्डर हम इसका देते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, तो ये तो हमारी फर्स्ट फील्ड क्रिएट होगी। और इसके बाद यहाँ हमारी ये क्लोज होती है ये टेबल डाटा, और ये हमारी टेबल रो। सेम इसी तरह हमने दूसरी फील्ड क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसी को मैं यहाँ अगेन पेस्ट करता हूँ, तो ये मेरी सेकंड फील्ड आ जाएगी। अब इसमें हम इसका नंबर, क्योंकि सेकंड रख रहे हैं, तो यहाँ इसका नेम भी चेंज होना चाहिए, तो इसको हम सेकंड नंबर करेंगे। ये हमने सेकंड नंबर कर दिया, इसको भी हमने सेकंड कर दिया। ओके व्यूअर्स, तो ये तो हमारे दो इनपुट टाइप की फील्ड्स बन गई। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि हमने एक बटन लगाना है जिसके थ्रू हम काम करेंगे। तो बटन के लिए हमारे पास जो टैग होता है वो होता है इनपुट टाइप। तो उसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टेबल क्लोज करता हूँ, और
टेबल क्लोज करने के बाद, बल्कि मैं इसको टेबल के बीच में ही बटन को भी करता हूँ इनपुट टाइप। आपको पता है कि बटन की इनपुट टाइप जो होती है वो सबमिट होती है। और इसका भी मैं नेम रखता हूँ ऐड, और इसकी मैं जो वैल्यू रखता हूँ ऐड नाउ, ये मैंने इसकी वैल्यू रख दी। और इसके बाद यहाँ हमारा टेबल एंड हो गया। अब जैसे ही हमारा इसमें टेबल एंड हुआ, ये इनपुट टाइप हमारी ख़त्म होगी, इसमें टेबल एंड हो गया। तो अब हम इसे अगर फॉर्म को विज़िट करें व्यूअर्स, तो ये हमारा एक HTML का फॉर्म बन गया है। और इसको जैसा कि हमने पहले अपना जैम का वर्क किया था, तो उसी तरह हम अपने जैम को ऑन करेंगे और जैम की वही सर्विसेज स्टार्ट होगी। और जैम की सर्विसेज ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती हैं अगर आपने एक बार इनको सर्विसेज को वर्क किया। इसके बाद हम इसी तरह अपना फोल्डर एक्सेस करते हैं, जो कि हमारा फोल्डर था लोकल हॉस्ट स्लैश PHP 1, जो हमने कल बनाया था। अब इसको आप एग्जैक्ट जब विज़िट करेंगे, तो इसमें index.php की फ़ाइल है, और ये फ़ाइल आपकी विज़िट होगी। अपैचे की सर्विस स्टार्ट अब स्टार्ट हुई है। ओके, तो ये अब ये विज़िट होगा। तो ये देखिए, ये हमारा एक फॉर्म है, ये बटन हमारा इस साइड पे आ गया। इस बटन को हम नीचे लाते हैं। इस बटन को नीचे लाने के लिए मैं इस टेबल को पहले क्लोज कर देता हूँ, और उसके बाद हम जो है अपना नेक्स्ट काम करते हैं। तो ये मेरा टेबल यहाँ क्लोज हो गया और ये मेरा बटन आ गया। इस बटन को मैं थोड़ा सा और डिज़ाइन करने के लिए सेंटर में ले आता हूँ। तो ये हमारा बटन सेंटर में आ गया। ओके व्यूअर्स, तो ये तो था हमारा HTML फॉर्म। ये देखें, यहाँ फर्स्ट नंबर है, यहाँ सेकंड नंबर है। अब यहाँ जो यूज़र नंबर लिखेगा ऐड करने के बाद, इधर नीचे उसका रिजल्ट ही होना चाहिए। तो इसके लिए अब हमारा काम इसमें PHP में आता है। तो PHP में व्यूअर्स, आपको जो सबसे पहले मैं चीज़ बताऊँ कि अगर हमने चेक करना हो कि बटन दबे, बटन क्लिक हुआ है कि नहीं, मतलब बटन की अगर हमने क्लिक चेक करनी है, तो उसके लिए हमारे पास जो PHP में फंक्शन होता है वो इसेट होता है। PHP का फंक्शन होता है ये इसेट। इसका काम होता है कि चेक करना कि फॉर्म में कोई बटन प्रेस तो नहीं हुआ। तो हम क्योंकि चेक करना चाहते हैं कि जब यूज़र जो है ऐड नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेगा, तो तब कुछ उसका प्रोसेस होना चाहिए। तो इसलिए अब हम पहले सबसे पहले चेक करेंगे कि यूज़र ने बटन प्रेस कब किया है। तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो इसेट है। और अब हम क्योंकि चेक करना चाहते हैं कि अगर यूज़र बटन दबाए तो तब वर्किंग करनी है, तो इसके लिए हम इफ़ की स्टेटमेंट भी यूज़ करेंगे कि इफ़ इसेट मीन्स के इफ़ इसेट अगर बटन दबे तो क्या हो। तो इसके बीच में व्यूअर, हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का एक वेरिएबल है, और ये ग्लोबल वेरिएबल है, और इसकी सिंटैक्स ये है। इसके बीच में आप जो नेम लिखेंगे, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि नेम हमने लिखना होता है ज़रूरी, तो आप इसके बीच में जो नेम लिखेंगे, जैसे कि आपने ऐड लिखा, तो अब इस जो ये फॉर्म है, ये जो इस सेट है, इसको पता चल गया है कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, पोस्ट का मतलब कि जब बटन दबेगा, तो क्योंकि फॉर्म का मेथड पोस्ट है, तो ये फॉर्म का मेथड पोस्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट को चेक करेगा, और उसके बाद आगे उसको जब ऐड की वैल्यू मिलेगी, ऐड, वो इस फॉर्म में सर्च करेगा कि कौन सा बटन है जिसका नेम ऐड है, तो वो उस बटन की प्रेसिंग चेक करेगा। तो इधर जो हमने इनपुट टाइप सबमिट रखा है, उस बटन का ये वैल्यू ऐड है, तो इसलिए वो जब ये बटन दबेगा तब वो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। तो इसके बाद हमने इफ़ इफ़ की ब्रैकेट स्टार्ट की। इफ़ के बीच में हमने अब जो काम करना है, हमारा नेक्स्ट काम ये होगा कि हमने जस्ट एक इसमें वेरिएबल्स में अब वैल्यू स्टोर्स करवानी है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं डॉलर नाम अंडरस्कोर वन, और इसको मैं वैल्यू जो देता हूँ वो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और मैं इसमें वैल्यू जो है इस फर्स्ट टेक्स्ट की डालना चाहता हूँ। तो मैं इसका नेम लिखूँगा इसी तरह इस पोस्ट के बीच में, और व्यू नाम याद रखिएगा, ये नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये नेम मैंने लिख दिया, और सेम इसी तरह अब हम दूसरे को भी कर लेते हैं नम अंडरस्कोर टू, और इसमें हमने क्योंकि सेकंड नंबर रखा था, तो यहाँ अब हम सेकंड नंबर रखेंगे। तो व्यूअर्स, इसके थ्रू क्या होगा कि जो फर्स्ट नंबर के टेक्स्ट में जो वैल्यू पड़ी होगी, वो इस डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के वेरिएबल के थ्रू इस वेरिएबल में चली जाएगी। तो इस तरह हमारी यूज़र इनपुट होगी। आगे हमारा जो प्रोसेस का काम है वो बिल्कुल इस तरह ही है। हम एक वेरिएबल डॉलर रिजल्ट ले लेते हैं, और इसमें हम डॉलर नम अंडरस्कोर वन प्लस डॉलर नम अंडरस्कोर टू करते हैं। तो ये हमारा डॉलर नम अंडरस्कोर वन और डॉलर नम अंडरस्कोर टू आ गया, और अब ये इसकी वैल्यू रिजल्ट में चली जाएगी। और इसी तरह जस्ट हमने इसको इको करवाना है, तो इको में इस बार मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा, और इको में थोड़ा सा फॉन्ट का मैं डालूँगा कि फॉन्ट, और सेंटर टैग लगाऊँगा ताकि फॉन्ट हमारा थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो मैं सेंटर का टैग लगा के उसके बाद इसमें फॉन्ट का टैग लगाता हूँ, और फॉन्ट का एट्रीब्यूट देता हूँ साइज इक्वल टू 3 एंड कलर इक्वल टू ग्रीन। और इसके बाद मैं इसमें लिखता हूँ द रिजल्ट
ऑफ टू नंबर्स, बल्कि इसको हम द रिजल्ट इज या द सम इज कर लेते हैं, हम इसको हम द सम इज। और इधर आके हमने क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो हम डॉलर रिजल्ट लिखेंगे, तो ये उस वेरिएबल की वैल्यू गेट कर लेगा। और इस तरह हम जो है अब अपना फोन का टैग क्लोज करते हैं, और फोन के बाद हमारा जो है सेंटर का टैग क्लोज होगा। तो अब ये जब एको करेगा तो ये एको सेंटर में करेगा और फोन साइज 3 और कलर ग्रीन के साथ ये चीज़ इको करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। तो आप इस फॉर्म को दोबारा लोड करें और अब इधर आप कोई नंबर दें, लेट्स से हमने यहाँ 2 दिया और यहाँ हमने नंबर 5 दिया। अब इसको आप ऐड नाउ के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें तो सम इज़ 7 और इसका कलर भी ग्रीन हो गया। ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है तो मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ और इसको मैं रेड कर देता हूँ, और इसका फॉन्ट साइज़ जो है वो मैं 8 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा व्यू हो जाए। तो अब हम इसको दोबारा फॉर्म को लोड करते हैं, और फॉर्म को लोड करने के बाद हम यहाँ नंबर 2 लिखते हैं और यहाँ नंबर लेट्स से हमने 10 लिख दिया। अब इसको हम जब ऐड नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें जब सम इज़ 12 और 10 + 2 12 होता है। अब इसने क्या किया, इसने वैल्यूज यूज़र से गेट किए। तो ये तो था हमारा डॉलर अंडरस्कोर जो पोस्ट का वेरिएबल था उसका काम, और वेरिएबल HTML फॉर्म्स के साथ PHP को डील करने का ये मेथड था। इस तरह हम करते हैं PHP के लिए काम। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ऑपरेटर्स पे। तो व्यूअर्स, PHP के जो ऑपरेटर्स हैं उसमें 3 टाइप्स हैं, सेम लाइक जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं जस्ट लाइक सी, उस तरह इसके भी तीन वेरिएबल ऑपरेटर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। उनमें आपका जो फर्स्ट ऑपरेटर आता है वो आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर टाइप आती है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो ये जो ऑपरेटर्स हैं इनके हम वर्किंग देखते हैं, ये होते क्या हैं और इनके सिंबल क्या हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ सिंबल, और सिंबल के बाद फंक्शनैलिटी, और फंक्शनैलिटी के बाद हम जो है जस्ट इसका नेम दे देते हैं। ओके, सो सिंबल जो होता है पहला हमारे पास ऑपरेटर अरिथमेटिक में जो आता है वो आता है प्लस, और इसकी फंक्शनैलिटी होती है टू ऐड नंबर्स। और इसके बाद जो है हम जो नेक्स्ट चीज़ देख रहे हैं वो है इसका नेम, तो नेम इसको आप सामी कहते हैं। तो उसके बाद हमारा अगला आता है माइनस, उसके बाद हमारा आता है PHP में मल्टीप्लाई की जगह स्टैरिक और डिवाइड की जगह स्लैश, और मॉड्यूलस के लिए परसेंट। अब जो माइनस है इसका काम होता है टू सब्ट्रैक्ट, ठीक हो गया, और इसको जो हम नेम है हम इसको सब भी कहते हैं। और इसके बाद ये जो तीसरा है ये आता है टू मल्टीप्लाई, और इसको हम मल कहते हैं, लैंग्वेज में मल्टीप्लाई कहते हैं या मल कुछ भी कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ मैं। इसका काम होता है टू डिवाइड, और इसका काम होता है इसको हम कहते हैं डिव। और उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट मॉड्यूलस का ऑपरेटर, इसको कहते हैं टू गेट रिमाइंडर वैल्यू। रिमाइंडर वैल्यू आपने पढ़ी होगी कि डिवीजन के नीचे जो वैल्यू बच जाती है उसको रिमाइंडर वैल्यू कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप डिवीजन के आंसर नहीं उसका रिमाइंडर लेना चाहते हैं, तो आप डिवीजन की जगह परसेंट मीन्स के मॉड्यूलस साइन लगाएंगे। इसको हम नेम, इसका नेम होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा, ये आपको मॉड्यूलस ऑपरेटर्स का गेट कर देगा और उसका रिमाइंडर आपको गेट करके दे देगा। तो ये तो था अरिथमेटिक ऑपरेटर। जिस तरह हम आगे चलते हैं, और मैं अब अरिथमेटिक के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर टाइप जो आती है वो हमारे पास आती है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का सिंबल जो है, इसका जो सिंबल है वो सिंबल हम रख लेते हैं। इसका जो रिलेशनल ऑपरेटर्स 6 टाइप्स के होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, और इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, और सॉरी लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये हमारी जो है 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइप्स हैं। तो इस फर्स्ट का जो फंक्शनैलिटी है इसका टू कंपेयर लेसर वैल्यू, और इसका जो नेम है इसको आप लेस देन ऑपरेटर ही कहते हैं, तो लेस देन। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है ये है, इसको हम कहते हैं टू कंपेयर ग्रेटर वैल्यू, और इसका जो ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन।
इसके बाद ये जो तीसरा है व्यूअर्स, पीएचपी में जैसे कि हमने मैथमेटिकल में अगर किसी चीज़ को हमने इक्वल टू रखना हो तो हम उसको सिंगल इक्वल लिखते हैं, लेकिन पीएचपी में सिंगल इक्वल का मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो ये जो होता है ये आपका असाइन करता है वैल्यू को, तो ये इक्वल टू अगर आपने किसी चीज़ को कंपेयर कराना है कि लेट से कि वन इक्वल टू वन, तो आपको डबल इक्वल लगाना पड़ेगा, तो तब वो इक्वल कंपेयर होगा, नहीं तो एक सिंगल इक्वल पे वो वन की वैल्यू वन को असाइन हो जाएगी। तो इसलिए इसका काम होता है टू इक्वल, और इसका जो नेम है उसको हम इक्वालिटी ऑपरेटर कहते हैं। इसके बाद आता है आपका नॉट इक्वल टू। अब क्योंकि नॉट इक्वल टू का कोई साइन नहीं होता, तो नॉट मीन्स के जैसे इक्वल टू का तो कोई साइन है, लेकिन मैथमेटिक्स में जैसे हम नॉट इक्वल टू लिखते हैं, जैसे पीएचपी में कोई साइन नहीं है, तो इसलिए नॉट इक्वल टू के लिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू लिखते हैं, इट मीन्स होता है नॉट इक्वल। और इसका नेम जो है नॉट इक्वल ही है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें टू कंडीशन आते हैं व्यूअर्स, जिसमें हम चेक करते हैं कि लेस या लेस देन हो सॉरी या ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो आपका प्रोग्राम वर्क करेगा। तो ये इसके ऊपर हम इंशाल्लाह प्रोग्राम भी बनाएंगे, इंशाल्लाह वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे, या मैं देखता हूँ आपको इन्हीं इसी लेक्चर में ये कवर अप करवाने की कोशिश करूँगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू के बीच में जो है हम इसको, हम इसका नेम भी यही है, सेम नेम है इसका। तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू और इसका भी नेम बिल्कुल सेम यही है। इसके बाद जो थर्ड टाइप हमारे पास आती है वो आती है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो व्यूअर्स जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, रिलेशनल ऑपरेटर्स की टाइप इनका इनका जस्ट सिंबल और फंक्शनैलिटी होती है। और सिंबल इसमें जो फर्स्ट सिंबल आपके पास आता है वो आता है आपके पास डबल एम्बर, और दूसरा आता है आपके पास ये ब्रैकेट दो लाइंस, और तीसरा जो आपके पास आता है वो आता है नॉट सॉरी इक्वल। ओके तो व्यूअर जो ये डबल एम्बर है इसका मतलब होता है एंड ऑपरेटर, इसका काम होता है एंड। अब हमने हमने अगर दो वैल्यूज लिखनी हो, मीन कि हमने कोई कंडीशन चेक करनी हो कि दिस एंड दिस, तो हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसका काम होता है और, कि दिस और दिस, तो ये ऑपरेटर यूज़ होता है आपका, ये और के लिए होता है, वो एंड के लिए होता है। और जो तीसरा इक्वल टू है इसका काम होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर। तो व्यूअर्स ये थे आपके पास तीन टाइप्स के ऑपरेटर्स, और इंशाल्लाह इसकी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये ऑपरेटर्स की पूरी फाइल भी मिल जाएगी, और इसमें ये आपको टेक्स्ट फाइल भी मिल जाएंगे, इसका आपको कोई इशू नहीं है, ये आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद अब हम थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, क्योंकि हमारे ऑपरेटर्स तो ख़त्म हो गए हैं, तो हम थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं किसी एक ऑपरेटर के, जैसे कि मैं आपको मॉड्यूलस ऑपरेटर का वर्क बता देता हूँ कि ये कैसे यूज़ होता है। तो व्यूअर्स मॉड्यूलस ऑपरेटर चले हम इसी पे करते हैं, इधर हम नम वन की प्लस की जगह मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाते हैं, जैसे कि ये देखिए मैंने मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाया। अब मैं इसको चेक करता हूँ, अब मैं इसको कहता हूँ द रिमेंडर इज ओके। तो अब जो फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे, जैसे कि मैं इधर अब फर्स्ट नंबर लिखता हूँ 10 और सेकंड नंबर लिखता हूँ 5, तो 5 2 10 होता है, और तो रिमाइंडर जो है वो 0 बचना चाहिए, तो ऐड ना करो तो ये देखो रिमाइंडर इज 0, मीन्स कि हमारी लॉजिक बिल्कुल ठीक थी और ये प्रोग्राम की लॉजिक भी बिल्कुल ठीक है। अब हम कुछ रिमाइंडर वाला प्रोजेक्ट कर लेते हैं, लेट से कि मैं कहता हूँ कि 3 मल्टीप्लाई 5। अब ये क्योंकि जब ऐड होगा तो इसमें रिमाइंडर बचेगा, तो उसका मॉडुलस आपका 3 आ गया, क्योंकि 3 रिमाइंडर 5 जो होता है उसका आपको पता है कि 3 को आप जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कुछ बचेगा, तो वो रिमाइंडर आपका ये आ जाता है। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर का काम है। इसी तरह आपको इसी में मैं आपको डिवाइड का भी ऑपरेटर और मल्टीप्लाई का भी लगा के दिखा देता हूँ, कि लेट से हमने यहाँ माइनस का लगाया, पहले माइनस पे काम करते हैं, तो अब ये हमारी वैल्यू जो है ये माइनस में देगा, और जैसे कि हम यहाँ वैल्यू लिखते हैं 5 और इसको लिखते हैं 2, तो आंसर हमारा लॉजिक के मुताबिक 3 आना चाहिए, तो ये देखें आंसर बिल्कुल 3 आ रहा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको माइनस की जगह स्टैटिक कर लेते हैं और इधर इसको हम मल कर लेते हैं। तो अब हम इसको चेक करते हैं अगेन, तो अब आप ये 2 लिखे हैं, इसको भी 5 लिखते हैं, तो आंसर हमारा 10 आना चाहिए, तो मल इज 10, मीन्स कि हमारा ऑपरेटर वर्क कर रहा है। मल के बाद आपकी डिवीजन होगी और मॉड्यूलस भी होगी,
तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जो डिस्कस किया उसमें कुछ पीएचपी के आपके एचटीएमएल फॉर्म के साथ डीलिंग थी, उसके बाद पीएचपी के कुछ ऑपरेटर्स उनकी वर्किंग थी, और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट मेथड आपने पढ़ा, और एक चीज़ आपने जिसमें और पढ़ी है वो आपकी आ गई है इसेट का काम, इसेट फंक्शन जो है पीएचपी का, ये उसका काम। तो और इसेट के बाद आपने जो एक और चीज़ और पढ़ी है वो आपने इफ एल्स भी पढ़ी है, सॉरी इफ पढ़ी है जस्ट, इंशाल्लाह इफ एल्स के ऊपर फिर लेक्चर होगा, तो तब तक के लिए आप इसके ऊपर प्रैक्टिस के लिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिए। तब उसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और इंशाल्लाह इफ एल्स और बाकी इनके पीएचपी के एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।